नमस्कार साथियों, आज की वीडियो डेंगू पर है। डेंगू से संबंधित पूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डेंगू एडिस मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी है। डेंगू होने पर तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होने लगता है। डेंगू में शरीर की प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगती है। इसमें मरीज को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत होती है, वरना समय पर इलाज न मिलने के कारण मरीज की जान भी जा सकती है। डेंगू के लक्षणों को पहचान कर ही इसका इलाज किया जा सकता है। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार डेंगू संक्रमण दुनिया भर के 100 से अधिक देशों में होने वाली एक आम समस्या है और लगभग 3 अरब लोग डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं। इनमें भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भाग, चीन, अफ्रीका, ताइवान और मैक्सिको शामिल है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में अकेले भारत में ही डेंगू के 67,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। आज की बात करें तो यह आंकड़े काफी बढ़ चुके हैं। तो आप जानते हैं डेंगू के लक्षण। डेंगू में 104 फ़ारेनहाइट डिग्री का बुखार होता है। डेंगू के लक्षण इन्फेक्शन के लगभग 4 या 6 दिन बाद दिखते हैं, जैसे तेज बुखार, सिर दर्द, आँखों में दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, थकान, जी मिचलाना, उल्टी होना, त्वचा पर लाल निशान। हालांकि गंभीर मामलों में DHF होने का खतरा बढ़ जाता है। इस स्थिति में रक्त वाहिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और प्लेटलेट्स गिरने लगती है। ऐसी स्थिति में ऐसे लक्षण नजर आ सकते हैं: पेट दर्द, लगातार उल्टी होना, मसूड़ों या नाक से खून आना, टॉयलेट या उल्टी में खून आना, सांस लेने की दिक्कत, थकान महसूस करना, चिड़चिड़ापन या बेचैनी। तो दोस्तों, आप जानते हैं डेंगू का कोई इलाज है भी या नहीं। डेंगू के लिए कोई खास दवा या सटीक इलाज उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर बुखार, दर्द को नियंत्रित करने के लिए पेन किलर जैसे पैरासिटामोल दवा खाने के लिए दे सकता है। शरीर को हाइड्रेट रखकर डेंगू को कंट्रोल में रखना एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। ऐसे में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। हालांकि गंभीर लक्षणों वाले मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत होती है। आप खुद से एस्प्रिन या इबुप्रोफेन जैसी दवाओं का सेवन भूलकर भी न करें, क्योंकि ये रक्त सतराव के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं डेंगू से लड़ने के लिए कुछ घरेलू उपायों के बारे में। आप किसी विशेषज्ञ की सलाह से इन घरेलू उपायों को उपयोग में ले सकते हैं। आजकल डेंगू तेजी से फैल रहा है। इस बीमारी में बुखार से छुटकारा पाना आसान नहीं होता है। आपकी जानकारी के लिए घर में भी कुछ ऐसे ही असरदार चीजें मौजूद हैं जो इस बीमारी से लड़ने में आपकी मदद कर सकता है। नंबर 1, डेंगू के बुखार से राहत पाने के लिए नारियल पानी खूब पिए। इसमें मौजूद जरूरी पोषक तत्व जैसे मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर को मजबूत बनाने में मदद करता है। नंबर 2, तुलसी के पत्तों को गर्म पानी में उबाल लें और फिर इस पानी को पिए। ऐसा करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। इसे दिन में 4 बार पी सकते हैं। नंबर 3, डेंगू बुखार में मेथी की पत्तियां उबालकर चाय बनाकर पिए। ऐसा करने से शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं और डेंगू का वायरस दूर होता है। नंबर 4, पपीते के पत्ते भी काफी असरदार है। इसमें मौजूद पपेन शरीर के पाचन को सही रखता है। इसका जूस पीने से प्लेटलेट्स तेजी से बढ़ते हैं। नंबर 5, तुलसी के पत्तों के साथ काली मिर्च को पानी में उबाल लें और पिए। इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और यह एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं डेंगू से बचाव। जितना हो सके आप मॉस्किटो रिपेलेंट्स मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को शाम होने से पहले बंद कर दें। शरीर को पूरी तरह से कवर करने वाले कपड़े पहने। सुनिश्चित करें कि आसपास पानी इकट्ठा न हो। कूलर का पानी बदलते रहें। पानी को ढक कर रखें। बाहरी पक्षी या पालतू जानवरों के लिए पानी को नियमित रूप से बदलते रहिए। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए फायदेमंद साबित होगी। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो पर लाइक कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें। मिलते हैं कल नई वीडियो में।